का बेटा रहता है, और डर के मारे भाग आया। आप इनसे पूछिए क्यों डर के मारे भाग आया, किससे डर गया पूछिए इनसे। वहाँ के पुलिस कुछ नहीं करता, उसी को साथ देता। वहाँ के पुलिस और वहाँ के प्रशासन बोल रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा, कल भी चाकू मार दिया। हमारा बेटा ड्यूटी से काम पे आ रहा था, साथ में काम करता था कंपनी में, वो आगे निकला चैलेंज के लिए, उसको कत्ता से काट दी से। तो प्रशासन के पास जाना चाहिए था उनको। प्रशासन वहाँ कुछ नहीं करता, उसी की तरफ बोलता है, बिहारी की तरफ कुछ नहीं, जो मिला सारा उसको काट के धर देता है। बेशर्म नेताओं के इनके द्वारा बोली गई बातों को सुनना और समझना पड़ेगा और उस पर यकीन करना पड़ेगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? मोहित नाम के है, वो कंपनी छोड़ दिया, दूसरे भाई के पास अभी है डेरा में, वो भी डर रहा। हम कहा कि चले आओ घर, सारा जान बचेगा बहुत होगा। अरे जान बचेगा, आओ काम कर लेगा। बिहार, अरे ये पहली बार थोड़े हुआ है कि वहाँ से बिहारियों को भगाया जा रहा है, पहली बार थोड़े हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु का इस तरह का रहा है, गुजरात से बिहारियों को नहीं भगाया गया था क्या, महाराष्ट्र से नहीं भगाया गया था क्या, बंगाल से नहीं भगाया गया है क्या? एक जगह बताइए जहाँ से बिहारियों को न भगाया गया हो। हर जगह से भगाया गया है, हर बार भगाया गया है, लेकिन फिर भी इन बेशर्म नेताओं की वजह से यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं होने की वजह से हर बार बिहारी जाते हैं काम करने। और देखिए भगाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहाँ पे जो आम तौर पे वन डे का जो मजदूरी है वो वहाँ पे, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हमको 1000 से 1200 चाहिए, और बिहार के लोग जाके 800 में काम करने को तैयार हो जाते हैं, 600 में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगर आप बाहर से जाके किसी दूसरे स्टेट में आप कहिएगा कि हम 800 में आपका काम करेंगे, कंपनी तो आपको रख लेगी, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको तो दिक्कत होगा, उनको दिक्कत होगा तो किसको बोलेंगे? सुनिए, ये दोनों पक्ष समझना जरूरी है। ये सिर्फ ये कि मारा जा रहा है ठीक है, वो खबर हम लोग दिखा रहे हैं मारा जा रहा है, अरे क्यों मारा जा रहा है ये भी तो समझिए कि अभी तक से आप यहाँ पे कंपनी ढंग का नहीं दे पाए। आप कंपनी देते तो वो वहाँ पे क्यों जाता, क्यों जाके बदनाम होता, क्यों जलील होता? मारा इसलिए जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो 500 में दूसरे स्टेट में काम करने के लिए मजबूर है। कहीं के नागरिक कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप काम करिए वहाँ के एथिक्स पे। आपके लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि एक हमारा मित्र है, उसने बताया अभी भाई की 2011 में भी 400 रुपए प्रतिदिन मिलता था नए लेबर को, और आज भी अगर कोई जाता है तो उसको भी 400 मिलता है। मतलब बिहारी को क्या लोग समझ लिया है, समझिए आप। अब वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे, बिल्कुल सही कहा कि कहीं भी काम कर सकता है। एक बार घुमा के माइक पूछ लीजिए, सब लोग बिहार के हैं कि नहीं, कहाँ गए हैं? बिहार के। कहाँ गए हैं? बिहार के। आप कहाँ गए? बिहार से। बिहार से। आप कहाँ गए हैं? बिहार के। आप कहाँ गए? बिहार के। आप कहाँ गए हैं? बिहार से। ये सिर्फ पटना और बिहार में हो सकता है कि माइक घुमा दीजिए, सब लोग कहे बिहार के हैं। आप जाके चेन्नई के स्टेशन पर माइक घुमा के पूछ लीजिए, आपको वहाँ बिहारी मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में जाके माइक घुमा के देख लीजिए, वहाँ बिहारी मिल जाएगा। देश का एक भी स्टेट नहीं है जहाँ आपको बिहारी नहीं मिलेगा, लेकिन पटना के रेलवे स्टेशन पर माइक घुमा के देख लीजिए, आपको बिहारी दूसरे स्टेट का बहुत कम लोग मिलेगा, 1% लोग मिलेगा। सरकार दो है, एक बोल रहे हैं कि ये करो, एक बोल रहे हैं ये ना। अरे नहीं, सरकार दो नहीं है। 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन था, तेजस्वी यादव नीतीश, सुनिए ना, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का जन्मदिन नहीं मनाना था, वो गए तमिलनाडु में तमिलनाडु के सीएम का जन्मदिन मनाने।